चार साल से बंद कमरे में रोटी बेल रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं। पास करा, नौकरी मिली, शिक्षा देख सकते हैं स्टेशन के सामने लोग, जब लगाएंगे मुंह पे तब बोलिएगा। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुज कुमार। दोस्तों, वाराणसी में हम लोग पहुंचे हैं और ये कैंट का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कैंट रेलवे स्टेशन है, यहां पे तमाम रिक्शे वाले, रिक्शे चालक बैठे हुए हैं, रिक्शा चालक। आइए इन लोगों से जानते हैं कि अब काम दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भाड़ा उचित तरीके से मिल पा रहा है, इनका काम चल पा रहा है, महंगाई से दिक्कत है कि नहीं है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने क्या मूड बनाया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। ये बताइए कि अभी भाड़ा वाड़ा ठीक ठाक से मिल रहा है? ठीक ठाक मिल रहा है, महंगाई बहुत है। क्या भाड़ा मिल रहा है? जो महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा। भाड़ा पहले की तरह मिल रहा है कि कुछ कम हुआ है? कम हुआ है, कम हुआ है। तो ये बताइए क्या क्या चीजें महंगी हुई है? अरे हर चीज तो महंगी है, क्या चीज सस्ता है? तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, वो सब चीज तो महंगा हो। आलू प्याज भी महंगा हो गए, जहाँ टमाटर ला 20 रुपया पौआ हो। क्या काम करते हैं? हम एक टेम्पू चलाई, और क्या करें, काम धाम चल रहा है ठीक ठाक, जो नमक रोटी चला तो बस ये इतना। पहले कैसे चल रहा है? पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। तो लॉकडाउन से कुछ असर पड़ा है आपके काम? अब तो ठीक है, लॉकडाउन ठीक है, काम मिल रहा है। हाँ, काम। दिक्कत क्या है? महंगाई दिक्कत है? महंगाई तो सभी लोग को दिक्कत है। आप क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ। तो भाड़ा मिल जा रहा है ठीक ठाक? सब बढ़िया बढ़िया। हाँ, बढ़िया है, सब बढ़िया। इस बार चुनाव में बटन किसका दबाएंगे? हम तो मोदी के दबाएंगे। मोदी जी का? हाँ। मायावती का नहीं दबाएंगे? मायावती का तो वहाँ घर से दबाएंगे, यहाँ दो हमारा है। आप तो खतरनाक आदमी है, दो दो जगह वोट देते हैं? हाँ। दोनों जगह वोट देने जाते हैं? हाँ, घर भी जाते हैं, हमको पैसा मिलता है। अच्छा, पैसा लेके? किराया। पैसा लेके वोट देते हैं? हाँ, नहीं नहीं, किराया भाड़ा मिलता है। वही बात हुई ना कि पैसा ले रहे हैं आप। बनारस में मोदी जी काम से खुश हैं? हाँ, एकदम। योगी जी के? एक तो बनवावत नाम है, एक तो खनवा देते हैं। कौन खराब करते हैं? हम लोग के आने जाने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ से जाओ तो हर से जाओ तो हर से जाओ। अभी तो आप कह रहे थे बहुत अच्छा है। अच्छा कहाँ से होगा, ये तो बनवा करके सही करो तब दूसरा खनवावे। महंगाई वगैरह दिक्कत है क्या? अरे महंगाई तो हमेशा रहा, सबके सरकार में रहा, ओकर चिंता नहीं ना। चिंता ना कभी भी किसी का होता है, मगर हम लोग को रोड बढ़िया चाहिए कि हम लोग जाए दो पैसा कमाए। बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ हो गया, कहीं हर से घुमाओ, कहीं हर से घुमाओ, यही दिख रही है, हर से घुमाओ। रोड तो यही स्टेशन के ठीक सामने दिख रही है कि खड्डे लगातार लगे। ये क्या रोड है? ऑटो चलाते हैं। ये बताइए, जैसे पेट्रोल कीमत ज्यादा थी, जो 12 रुपया घटा, उससे कुछ लाभ मिला आप लोगों को? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। अच्छा, तो अभी जो आपकी कड़वा तेल नहीं घटा? कड़वा तेल नहीं, 200 रुपया। अभी आपकी कमाई में कोई असर हुआ कि नहीं हुआ? असर लॉकडाउन के पहले जिस तरह चल रहा था, असर हुआ। 12 रुपया का अगर बचत हुआ तो उससे ज्यादा ट्रैफिक में पी जाता है। मतलब ट्रैफिक जाम की समस्या अभी भी बनी हुई है? ट्रैफिक की समस्या तो अभी पहले की तुलना में अभी कुछ कमी आई कि नहीं? ट्रैफिक में तो अभी कोई कमी नहीं, आप जहाँ जाइए देख लीजिए। 2014 से पहले जिस तरह से जाम लगता था, अभी भी वही है कि कुछ बदल गया है? सर अभी हम लोग के देखने में तो वही है, अभी आप रथ यात्रा जाइए वही कंडीशन, गुरुबाग से आइए वही कंडीशन, कमाख्या से आइए वही कंडीशन, पूरा जाम लगा रहता है। वैसे ही जाम लगा रहता है? हाँ, वैसे ही जाम। 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा 45 मिनट तो पक्का। तो काशी, काशी क्योटो बना गया भैया जी? अब हम तो नहीं, क्योटो में तो ऐसे जाम नहीं लगता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बना। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव यूपी में आप लोगों की क्या इच्छा है, इनको दोबारा लाना है कि नहीं लाना है? अब हम नहीं बता पाए, हम तो डायरेक्ट करेंगे अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश आएंगे? इतने अच्छे बाबा है। नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं, चाचा नहीं, यहाँ हम लोग को कमाना खाना है। अखिलेश आएंगे तो कमाई बढ़ जाएगी? हाँ, वो सही काम करते हैं, सही ढंग से रहते हैं। वो भी तो थे 5 साल पहले। हाँ, 5 साल पहले कितना विधवा को हर चीज उन्हीं का बनावा, ये पुल वो ही पास किए हैं। आप हमें पहले व्यक्ति मिले हैं जिसको मालूम है कि ये पुल किसने बनाया। हाँ, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि 500 किए आजमगढ़ की पूरा होलिया बदल दिए, वो किए अखिलेश। आप आजमगढ़ से हैं क्या? हम आजमगढ़ के हैं। बाबा जी समझिए कि इतना अच्छे आदमी है। अभी 2 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, वो जो व्यवस्था देखे वो आज भी व्यवस्था हम देख रहे हैं, और इसके बाद अगले सर के सरकार में ये व्यवस्था हमको नहीं मिला। कौन सी व्यवस्था? जो कि अभी सिक्योरिटी इधर और जो साफ सफाई जो व्यवस्था दिखाई दे रहा है,
बहुत सब ये तो रेलवे की व्यवस्था है ना, हम योगी बाबा की बात कर रहे हैं। तो सर योगी जी तो हर जगह कर रहे हैं, तो योगी कर रहे हैं तो ये सड़कें खराब कैसे हैं फिर? ये सड़क सर हर जगह छोटी मोटी कमी होती है, हर जगह छोटी मोटी कमी होती है। अच्छा क्या करते हैं आप ये इधर? हम अभी क्या करते हैं? कंक्रीट मेसन का काम करते हैं। ये बताइए आपको काम रोज मिल रहा है? हाँ सर। कितनी कमाई है रोज की? सर मेरा 400 का कमाई। महंगाई वगैरह उसको देखिए सर, महंगाई तो जब आदमी दर प्रति बढ़ते जाएगा तो महंगाई होते जाएगा। कहाँ तक पढ़े हैं? सर हम 8 क्लास तक पढ़े हैं। 8 क्लास, उसके बाद छोड़ दिया? महंगाई तो दिन पे दिन होती ही जा रही है। बच्चों के जो बीसी वर्ग के थे उनको बीसी वजीफा नहीं आया, स्कॉलरशिप नहीं आया इनके सरकार में, पिछड़े वर्गो का जैसे स्टूडेंट है बीए का स्कॉलरशिप नहीं मिला, स्कॉलरशिप नहीं मिला इन 5 सालों में। और आर्मी की जो भर्ती रैली रहती है वो भी नहीं हुए, और छूट भी देना चाहिए इनको जब भर्ती आए तो में छूट होनी चाहिए। छूट तो होनी चाहिए, अब छूट नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे? सभी बच्चे उम्मीद लगाए रखे थे। अच्छा आप भी तैयारी करते हैं क्या भर्ती? तैयारी करते। क्या लग रहा है सरकार कुछ काम करेगी इस मामले में? सरकार तो अभी फेल ही दिख रही है योगी सरकार। इस बार युवाओं का पसंद है अखिलेश यादव। आप क्या नाम है? राकेश सहानी। अच्छा हमें लगा कि यादव जी है। राकेश निषाद मोहिमल्ला। आप कहाँ के रहने वाले? सैदपुर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? बीए। अभी इस सरकार में कुछ भर्तियाँ हुई कि नहीं हुई? इस सरकार में क्या भर्तियाँ हुई, सभी भर्तियाँ रुकी हुई हैं। पुरानी भर्तियों को भी अटका दिया? पुरानी भर्तियों को अटका दिए हैं, बस शिक्षा जो टीचरों का था वही क्लियर किए अभी तक, और सभी भर्तियां तो अभी अटकी हुई हैं। बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी कितने स्तर तक गिरा है। आप क्या करते हैं? कूली काम करते हैं। अभी लॉकडाउन में आप लोगों का एकदम खत्म था? खत्म था। कैसे चला काम धंधा फिर? बस वही राम भरोसे। राम भरोसे। अब कुछ शुरू हो गया है कि नहीं पहले की तरह? नहीं पहले से थोड़ा, अब इस समय की डेट में 200-300 रुपये हम लोग दिन भर में कमा लेते हैं। सुबह से लेकर संध्या तक 12 घंटा ड्यूटी देते हैं। कितना लगभग कमा लेते हैं? 200-300 रुपये कमा लेते हैं। उतने में खर्चा चल जा रहा है? बस उसमें चला रहे हैं। महंगाई वगैरह से दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, महंगाई से तो बहुत दिक्कत है। अच्छा अभी यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ लोगों का ये कहना है कि दो ही में टक्कर है, सपा और भाजपा। लोगों को नहीं, सभी लोग का यही कहना है, सभी पार्टियां जानती हैं कि सपा और भाजपा दो ही पार्टी लड़ सकती है, बाकी कोई रास्ते में नहीं है, सब रास्ता बदल दिया। क्या लग रहा है हवा किसकी ज्यादा है? योगी जी का है। योगी जी की? हाँ सर। आपको क्या लग रहा है? हवा समय को मालूम चलेगा। हवा आएगा तो आपकी पारी, हवा आएगा तो अखिलेश का आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर सेठ है भैया। शंकर सेठ है। तो शंकर जी ये बताइए, ये शंकर जी का शहर भी है जी, बोले बाबा सब महादेव की नगरी है। तो ये बताइए शंकर जी, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाने वालों की जो इनकम है जी, लॉकडाउन के पहले वाली स्थिति में आ गई है कि नहीं? अभी पहले से बहुत बेहतर है, बेहतर है भाई, हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं और टूरिस्ट के सहारे ये शहर पूरा चलता है। लॉकडाउन के पहले जिस तरह से चल रहा था, लॉकडाउन में तो बंद था जी, उसकी तुलना में नहीं, पहले वाले की तुलना में सही है कि नहीं? दिन प्रतिदिन बेहतर है, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे बेहतर। कमाई में जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप लोग रोज रोज भाड़ा तो बढ़ा नहीं पाएंगे? नहीं है ना, भाड़ा बढ़ा नहीं पाता है। हम लोग का सीएनजी गाड़ी हो गया है, तलबे नहीं है। सीएनजी हो गया है तो सीएनजी सस्ता पड़ रहा है? सीएनजी सस्ता पड़ रहा है। अभी सीएनजी के रेट भी बढ़े हैं कुछ? हाँ कुछ बढ़ा है, तो भाई बढ़ता रहता है रुपया दो रुपया, तो उससे हम लोग भाड़ा नहीं बढ़ाते हैं। जब आप लोग भाड़ा बढ़ाते हैं तो लोग बहस होती है? कंटिन्यू नहीं बढ़ाते हैं ना, यूनियन का वो सिस्टम रहता है, जो एक बार लागू हो गया वो लागू रहता है। अच्छा जाम की समस्या अभी बनारस में है? जाम की समस्याएं हैं थोड़ा सा, लेकिन आज थोड़ा सा त्यौहार है। नहीं नहीं आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे कई लोगों से हमने बात की, पहले दिनों से बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है, सब चल रहा है, बस थोड़ा सा सिस्टम से लोग चलेंगे तो जाम की समस्याएं नहीं है। लोगों की भी थोड़ी सी लापरवाही। अच्छा यूपी में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो क्या लग रहा है हवा किसकी? योगी जी की। कंफर्म है? आपको क्या लग रहा है? हाँ कंफर्म है भैया। अच्छा कहने को कुछ भी कहे मगर जो माहौल दिख रहा है तो हम लोग को तो भाई भैया लोग कहते हैं कि महंगाई है लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। अगर पिछले सरकार को अगर मान लिया जाए और इस सरकार से अगर तुलना किया जाए तो 5 साल में अगर कुछ रेट बढ़ा है तो 2-4-5 रुपए का फर्क पड़ा है। 15-20% सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। कुछ महंगी हुई है लेकिन ठीक है, तो रोजगार भी तो हर आदमी का बढ़ा हुआ है। पहले तो लेबरों की जो नौकरी थे 60 रुपये पाते थे, 8 घंटा नौकरी करते थे, अब 400 रुपये उनकी तनख्वाह हो गई। मिस्त्री 300 रुपये पाते थे 8 घंटे। कितने दिनों में 60 रुपये से 400 हो गया है? 60 से 400 बता रहे हैं आप ना?
60 रुपये से 400 हो गया। सो कोई लेबर बता रही जो मजदूरा हो पेट्रोल का भाव का उस समय डीजल पेट्रोल का भाव का 85-86 रुपया ज्यादा आपको पता है 85-86 रुपये। अच्छा ये बताइए बोलिए कि 4 साल 100% गलत कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 60 रुपये मिलता था, 60 रुपये मिलता था क्या? नहीं गलत बोल रहे हैं वो, जो भी बोल रहे हैं भाजपा वाले गलत बोल रहे हैं। 2-5 साल से मानसिकता बदल दिए, ये अच्छे दिन लाने के लिए कह रहे थे, अच्छा दिन आ गया सारा। इस बार सरकार आएगी तो आएगी अखिलेश भैया की आएगी। अखिलेश जी का पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी इस बार, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा आएगा कौन सा बता दीजिए, जो आया हुआ है प्रेजेंट टाइम में बताइए। फ्री में अनाज डाल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लोग खुश हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, वही तो आपके भ्रम है। 5 किलो खाली में हर व्यक्ति पीछे 5 किलो मिले था, हर व्यक्ति पीछे 5 किलो जने के ना मिले था, सबके जय जने चाहे 20 जने फ्री में दे कर, आप गरीबों को फ्री में देकर क्या कर रहे हैं, उसकी हक को मार रहे हैं, क्योंकि वो अगला फ्री में पाएगा काम नहीं करेगा। अच्छा हाँ नहीं करेगा ना, तो हार मान सकता है नहीं है, ये सही है, ये आप उसको दबा रहे हैं रोजगार पगला यही मिलता। अरे पूरा पास करा नौकरी मिली शिक्षा पास करा नौकरी मिली। आप देख सकते हैं स्टेशन के सामने लोग बातचीत कुछ क्लियर नहीं हो पा रही, लोग आपस में ही भिड़ गए सपा और भाजपा के समर्थक। सपा वाले कह रहे हैं कि काम गिनवा दीजिए और आपस में ही अपना बहस करने लगे ये लोग। तो मीडिया के सामने कोई नहीं आता है, चक्कर इसमें क्या है, देखिए शिक्षित वर्ग है ठीक है, अशिक्षित वर्ग भी है, जातिगत विचारधारा के भी लोग हैं, इसलिए मीडिया के सामने आके बंदा कोई बोलता नहीं। डिबेट नहीं चल रहा है। स्टूडेंट हूँ मैं, पीजी का स्टूडेंट हूँ, ऑटो चला रहा हूँ, ये मोदी सरकार है देख लीजिए, एक एक विकास के नाम पे 0 है और ये जातिवाद काम करती है योगी सरकार। 3 साल में 300 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, हम पंडित हैं, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। क्या बीजेपी में ब्राह्मण वोट नहीं दिए थे 2017 में? लेकिन ये सरे सर जातिवाद है, ठेस हो रहा है क्योंकि ये ब्राह्मण है। मैंने कहा ना अभी, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, 250 रुपए किलो सरसों का अपने अंदर रखेंगे, अच्छे दिन है। ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश अशिक्षित है, उत्तर प्रदेश बिहार ISPC भारत सरकार को सबसे ज्यादा देता है। इनका विकास है देख लिए, पीजी का स्टूडेंट ऑटो चला रहा है, 250 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी सरसों का तेल है, उसके बाद देख लीजिए महंगाई कितना है। लाइन का बिल देखा 1500-1400 हर घरे आवत पहले इका विकास करिए, विकास दुबे करा। दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, डीयू से हैं और बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, हमारे माता पिता की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। तो किस तरीके से मैं कहूँ कि सरकार अच्छी है? आप यूपी से ही है? यूपी से ही है, बलिया से। बलिया जिले से? हाँ, बलिया भी लोग वीरों की धरती मानी जाती है। हाँ, और वीरों की धरती से बेरोजगार पैदा हो रहा है, बेरोजगार पैदा हो। डीयू जिसको भारत में स्थान प्राप्त है, जिस यूनिवर्सिटी को जिसका जिसकी डिग्री मायने रखती है, वहाँ के स्टूडेंट भी नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि माता पिता की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह से आज के युवा 4 साल से बंद कमरे में रोटी बेल रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं 5 किलो चावल में, गांव में लोगों को चावल 5 किलो गेहूँ 5 किलो दे के भटका रहे हैं, रिक्शा टेम्पू टेकल चलाने वाले लोग अपने किराए के लिए अपने ईंधन के लिए मर रहे हैं, लोगों से इनसे 40 रुपए लेंगे, ये कहेंगे भाई 40, पहले तो 20 लगता था, इनकी मजबूरी है 40 लेना, क्योंकि ईंधन की जो कीमत है ज़्यादा बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहली चीज़ महंगाई, दूसरी चीज़ बेरोजगारी, तीसरी चीज़ जो भी शिक्षा नीति में जो बाजारीकरण हो रहा है, ये बाजारीकरण बहुत गलत, युवाओं के साथ ये सरकार सीधा खिलवाड़ कर रही है। इस देश के युवा एकदम अपने उम्मीद से
भटक रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी यूपी चुनाव जो होने वाला है, हाँ। और कृषि कानून आज ही मोदी जी ने कहा, ऐलान किया है, हाँ। कि उसको रद्द कर रहे हैं, हाँ। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों रद्द? जाहिर सी बात है, इस देश की जनता सुनिए, नहीं नहीं रुके भैया, रुका जी, भारत देश की जनता को ये सीधा साबित हो गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री है, जो मतलब सबको पता चल गया कि ये तीनों कानून गलत था, तभी वो अपने पैर पीछे खींचे हैं। ये तो पीछे खींचने वाले मोदी गलत था इसलिए पीछे खींच ले, या फिर चुनाव होने वाला इसलिए खींच ले? चुनाव पहला मुद्दा तो चुनाव है, दूसरा गलत है, किसान भाइयों ने इतने अगर, अगर गलत लगता तो पहले ही वापस ले लेते, आ? गलत होता है, ये हिटलरवादी है ना, इनके पास हिटलरवादी व्यवस्था है, हिटलरवादी सोच है, ये पहले हिटलरवादी की व्यवस्था चालू करेंगे, और जब जनता सड़क पे आएगी तो अपने आप में पीछे भाग जाएंगे। ये भागने वाले लोग हैं हमेशा, काली टोपी लगाने वाले लोग कभी सामने नहीं आते, पीठ पीछे हमेशा कोई ना कोई काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव में इस बार यूपी का युवा क्या चाहता है? यूपी का युवा यही चाहता है, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अखिलेश यादव यंग हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि ये गांजा पीने वाले लोग कतई युवा इस देश का आधार पे करेंगे। ये गांजा पीते हैं ये कैसे पता चला? हवा है इस देश, जो उत्तर प्रदेश में हवा चली है कि बाबा हैं, ढोंगी हैं, सन्यासी हैं, तो सन्यासी अधिकतर देखिए जितने बनाए सो सन्यासी हैं, चाहे हरिद्वार में है, इलाहाबाद में, हमेशा हमेशा साधु संत लोग गांजा पीते हैं, ये भी गांजा पीने वाला व्यक्ति है, इसकी हिस्ट्री क्रिमिनल की हिस्ट्री है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम कुमार, तो गौतम जी आप बलिया के रहने वाले हैं जी। तो अच्छा ये बताइए, जैसे अभी DU में आप पढ़ते हैं, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं देश के अलग अलग कोने से, वहाँ शिक्षा जिस तरह से दी जाती है उसका स्तर भारत में माना जाता है कि बिल्कुल अच्छे लेवल का, बिल्कुल अच्छे लेवल का। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, हम खुद भटक रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, गवर्नमेंट तो छोड़िए, कॉर्पोरेट में नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। क्या पढ़ाई किया? मैं हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा, हिस्ट्री की बात आपने कर दी जी, कंगना रनौत को जानते ही होंगे जी जी, मैं जानती हूं, बातें भी याद होंगी, हाँ याद है। क्या चाहते हैं आप, मतलब अगर इस तरह से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए तो युवाओं के मन में, जो लड़के अभी पढ़ रहे हैं उनके मन में क्या जाएगा? देखिए ये एक काल्पनिक दुनिया में जीने वाले लोग हैं, कल्पना रनौत हो गए, चाहे बॉलीवुड जैसे, वो अपनी कल्पना में जिए लेकिन देश को ना बर्बाद करें, झूठा इतिहास ना बताएं। तो वही आप खुद बता रहे हैं, उसके अपने प्रश्नों का उत्तर खुद दे रहे हैं भैया जी से, सलमान कुरैशी साहब के बयान का पूछ लिए, क्या कर रहे हैं? सलमान कुरैशी कौन है? खुर्शीद, हाँ सलमान खुर्शीद, बताइए सर। देखिए सलमान खुर्शीद, सलमान अपनी बताइए, सलमान खुर्शीद जी ने कोई किताब लिखी है उसके बारे में? मैं उनकी किताब कभी नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, आप पढ़े क्या? आप 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 इनसे सर पढ़े नहीं है, सब मीडिया के पहले आप किताब, पहले आप किताब पढ़ लीजिए, हिंदुत्व को बोले हैं, मेरी बात समझिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब तक आप किताब पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसकी मूल भावना को समझेंगे नहीं, ठीक है? होता क्या है, जैसे मैं अभी कह दूं कि अगर जनता की आवाज़ उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, ठीक। आज का जो मीडिया वो करता क्या है, वो आगे की बात काट देगा, वो रखेगा कि मैं देशद्रोही हूँ। सलमान कुरैशी साहब खुद बोले हैं, सलमान खुर्शीद है, कुरैशी नहीं भाई, आप खुर्शीद है। 150 रुपया लेबर मिस्त्री का चार्ज रहा, ठीक बा, आज 600 रुपया ले थे, किसको मिल रहा है 600? मिस्त्री के मिला था, मकान मिस्त्री, मिस्त्री तो बोल रहा है कि महीने में 2-4 दिन काम मिल रहा है, हाँ 4 दिन 4 दिन 600 रुपया। हमारी बात को इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक आपकी टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचाइए, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों मैं कह रहा हूँ, जानते हैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज इस समय जो दौर चल रहा है, जो मोदी जी की सरकार में जिस तरीके के इंटरनेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी मीडिया है, लोगों को मीडिया से विश्वास उठ गया है, टूट गया है, क्योंकि सच्चाई को छुपा कर और फोटो और बैनर को चमकाने का मीडिया, इसलिए भैया 90 में सच्चाई छुप गया था, 90 में सच्चाई छुप गया था मीडिया का मतलब? सर नवध्या कांड का बात बताओ, सब गोली चलवाए थे मुलायम सिंह यादव, तो आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं क्यों नहीं ले जा, मुद्दा तो बहुत पुराना था, बहुत भैया सरकार में मोदी जी हैं, सरकार में मोदी जी हैं, मैं सवाल करूं नेहरू जी से, किस मुद्दे पे इनसे जवाब लिया जा रहा है? रोजगार के मुद्दे, रोजगार में मुद्दे कैसा बताइए, कैसा रोजगार? देखिए रोजगार का मतलब है कि जो जिस काबिल है उसको उसको उस तरह का रोजगार दे दे, पूरे भारत को सरकारी नहीं दे रहे, हम लोग सब चलाना बंद कर दे, सही है। रोजगार जो जिस लायक है, जितना पढ़ा लिखा है, पकौड़ी तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है कि पकौड़ी बेचो, भजिया बेचो, ये नहीं। अगर कंप्यूटर की शिक्षा लड़के ने प्राप्त की है तो उसे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहिए, सिविल की उसने इंजीनियरिंग की अगर परीक्षा पास की है तो सिविल इंजीनियर बनना चाहिए, पहली चीज। मोदी जी कहते तो बहुत हैं, हमारे योगी जी कहते तो बहुत हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कुछ कुछ जरूर नहीं,
25% तो दिखाई दे रहा है, जो सही बात है, और बाकी हवा हवाई बातें केवल होती हैं। यूपी से है की बात है जी, यूपी से है की बात है। हाँ मैं यूपी से ही हूँ, मैं लखीमपुर खीरी से, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ और पेशे से एडवोकेट हूँ। हम जितना वकीलों को अगर मुलायम सिंह ने दिया, इतना किसी भी सरकार ने आज तक मुलायम ने नहीं दिया। चैम्बर बनवाए, काम किए, काम किए। हमारा एक मुद्दा, हमारा एक मुद्दा, आज मैं 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ जो भी सरकार आती है, कि 5 लाख रुपए बीमा का प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए मरने के बाद। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मात्र 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख का आश्वासन दिया मुलायम सिंह ने, उन्होंने भी नहीं पूरा किया, और योगी जी ने तो अभी तक वकीलों को हवा ही नहीं दी। और 5 साल से सुने में यहाँ मेट्रो बन रही थी, अभी कुछ हमें नहीं दिखाई पड़ा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। साल हो गया, इतनी गंदगी है काशी में, देख रहे हैं कि जहाँ देखो गड्ढा मुक्त सरकार चाहिए। पहले आते सरकार में आए थे, आज कड़ुआ तेल 200 रुपए केजी बिक रहा है, जब यही सपा ने सरकार छोड़ी थी। प्लीज प्लीज थोड़ा आप एडवोकेट है ना, आप सफाई बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं, आप अपनी पर्सनल बातों को तो मीडिया के सामने नहीं, नहीं। मेरा वकील जानते हो 55,000 वकील उत्तर प्रदेश के अंदर है, लाखों वकील है, एक का किसी का एक का मुद्दा ये नहीं, 5 लाख कहते थे कि गड्ढा मुक्त होगा। आज चले जाइए उत्तर प्रदेश में, कहीं अगर किसी भी मोहल्ले में तुमको गड्ढा मुक्त मिल गया हो तो हमको बताइए। हमारे लखीमपुर खीरी में जानते हो केवल हाईवे से काम नहीं चलता, सही बात है, सही बात है, केवल हाईवे से काम नहीं चलता, हाईवे आप बहुत अच्छा बनाते हैं, और हमारे घर घर की जो सड़कें हैं, हमारी गली की सड़कें हैं, दरवाजे की, ये आप यूट्यूब पे लोकेट इंडिया सर्च कर लीजिए, लोकेट इंडिया, और उस पर जब चढ़ेगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग काफी दूर से हैं जी, तो 500 किलोमीटर क्या लग रहा है यूपी में इस बार हवा किसकी है? हवा तो आपकी निकल जाएगी बाबा जी की, हमारे संभवतः मिली जुली सरकार बनेगी, अपनी पूर्ण सरकार नहीं बना पाएंगे, नहीं पूर्ण सरकार है, पूर्ण सरकार नहीं बनेगी, खटाई में है सर। हमें सरकार से मतलब नहीं, सरकार चाहे जो बने, लेकिन हम लोग का जो बेरोजगार की वजह से हम लोग घूम रहे हैं। सर मैं सेना की तैयारी आर्मी की करता हूँ, हाँ सर, 2.5 साल सर कोई वैकेंसी आई ही नहीं है, हमारा एज भी जो है बाउंस होते चला जा रहा है, हम लोग NCC भी कर चुके हैं, NCC का भी एज बाउंस है, यहाँ तक कि हालांकि जा रहा है उम्र जाए, लेकिन उसका उम्र भी कोई छूट नहीं दे रहे हैं, 2.5 साल वैकेंसी रुक गई और 6 महीने की छूट मिली केवल हम लोगों को। वाराणसी के कैंट स्टेशन से यहाँ देश प्रदेश से आए हुए थे, सबने अपनी अपनी बातें बताई, सबने बताया कि इस बार यूपी में हवा किसकी है, यहाँ बेरोजगार भी थे, रिक्शा ऑटो चालक भी थे, तमाम लोग थे, सबने अपने अपनी रखी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।